आईपीएल के 13वें सीजन में बुधवार को मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स का आमना सामना होगा। अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले में केकेआर अपना पहला तो मुंबई दूसरा मुकाबला खेलेगी। दोनों ही टीमें धाकड़ बल्लेबाजी से भरी हुई है, ऐसे में यहां एक और रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। रोहित की अगुवाई वाली मुंबई पहली हार को भुलाकर यहां जीत दर्ज करना चाहेगी तो दिनेश कार्तिक की कप्तानी में कोलकाता अपना विजयी आगाज करना चाहेगी। दोनों ही टीमें अपने सर्वश्रेष्ठ 11 खिलाड़ियों को उतारने की कोशिश करेगी। कोलकाता नाइट राइडर्स के संभावित 11 खिलाड़ी अधिकतर खिलाड़ी पिछले बार वाले ही रहने की उम्मीद है। कुछ बदलावों को छोड़कर टीम अपने पुराने भरोसेमंद खिलाड़ियों पर ही दाव लगाना चाहेगी। यहां शुभमन गिल और सुनील नरेन पारी की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं मध्यक्रम का भार कप्तान दिनेश कार्तिक, इयान मॉर्गन, नीतीश राणा, राहुल त्रिपाठी और आंद्रे रसल के कंधों पर रहने की उम्मीद है। इसके अलावा गेंदबाजी की जिम्मेदारी शिवम बावी, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, पैंट कर्मिज को मिल सकती है। मुंबई इंडियंस की संभावित प्लेइंग 11। मुंबई की टीम में से एक बार फिर से क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करते दिख सकते हैं। वहीं मध्यक्रम से सौरभ तिवारी, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, किरण पोलार्ड टीम का भार संभाल सकते हैं। इसके अलावा गेंदबाजी में ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, राहुल चहर, जेम्स पेटिसन का खेलना भी लगभग तय है।